बोलो गीता भगवान की जय। गीता भगवान की जय। हमने कल 9वें अध्याय का 18 तक पढ़ लिया था, अब 19वें से शुरू करते हैं हिंदी में। मैं ही सूर्य रूप से तपता हूँ, वर्षा का आकर्षण करता हूँ और उसे बरसाता हूँ। हे अर्जुन, मैं ही अमृत और मृत्यु हूँ और सत असत भी मैं ही हूँ। तीनों वेदों में विधान किए हुए सकाम कर्मों को करने वाले, सोमर को पीने वाले, पाप रहित पुरुष मुझको यज्ञों द्वारा पूछ कर स्वर्ग की प्राप्ति चाहते हैं। वे पुरुष अपने पुण्यों के फल रूप स्वर्ग लोगों को प्राप्त होकर स्वर्ग में दिव्य देवताओं के भोगों को भोगते हैं। वे उस विशाल स्वर्ग लोक को भोगकर पुण्य क्षीण होने पर मृत्यु लोक को प्राप्त होते हैं। इस प्रकार स्वर्ग के साधन रूप तीनों वेदों में कहे हुए सकाम कर्म का आश्रय लेने वाले और भोगों को की कामना वाले पुरुष बार बार आवागमन को प्राप्त होते हैं, अर्थात पुण्य के प्रभाव से स्वर्ग में जाते हैं और पुण्य क्षीण होने पर मृत्यु लोक में आते हैं। जो अन्य प्रेमी भक्त जन मुझ परमेश्वर को निरंतर चिंतन करते हुए निष्काम भाव से बसते हैं, उन नित्य निरंतर मेरा चिंतन करने वाले पुरुषों का योग क्षेम मैं स्वयं प्राप्त कर देता हूँ। हे अर्जुन, यद्यपि श्रद्धा से युक्त जो सकाम भक्त दूसरे देवताओं को पूजते हैं, वे भी मुझको ही पूजते हैं, किंतु उसका वो पूजन अधिपूर्वक अर्थात अज्ञान पूर्वक है, क्योंकि संपूर्ण यज्ञों का भोक्ता और स्वामी भी मैं ही हूँ, परंतु वे मुझ परमेश्वर को तत्व से नहीं जानते, इसी से गिरते हैं अर्थात पुनर्जन्म को प्राप्त होते हैं। देवताओं को पूजने वाले देवताओं को प्राप्त होते हैं, पितरों को पूजने वाले पितरों को प्राप्त होते हैं, भूतों को पूजने वाले भूतों को प्राप्त होते हैं और मेरा पूजन करने वाले भक्त मुझको ही प्राप्त होते हैं। इसलिए मेरे भक्तों को पुनर्जन्म नहीं होता। जो कोई भक्त मेरे लिए प्रेम से पत्र पुष्प फल फूल आदि अर्पण करता है, उस शुद्ध बुद्धि निष्काम प्रेमी भक्त का प्रेम पूर्वक अर्पण किया वो पत्र पुष्पादि मैं सुगंध रूप से प्रकट होकर प्रीति सहित खाता हूँ। हे अर्जुन, तू जो कर्म करता है, जो खाता है, जो हवन करता है, जो दान देता है और जो तप करता है, वो सब मेरे अर्पण कर। इस प्रकार जिसमें समस्त कर्म मुझ भगवान के अर्पण होते हैं, ऐसे संन्यास योग से युक्त विचर चित्त वाला तू शुभ शुभ फल रूप कर्म बंधन से मुक्त हो जाएगा और उनसे युक्त होकर मुझको ही प्राप्त होगा। मैं सब भूतों को स्वभाव से व्यापक हूँ, ना कोई मेरा आप्रिय है और ना प्रिय है, परंतु जो भक्त मुझको प्रेम से बसते हैं वो मुझमें ही और भी उससे प्रत्यक्ष प्रकट हूँ। यदि कोई अतिशय दुराचारी भी अनन्य भाव से मेरा भक्त होकर मुझको भजता है तो वो साधु ही मानने योग्य है, क्योंकि वो यथार्थ निश्चय वाला है, अर्थात उसने भली भांति निश्चय कर लिया है कि परमेश्वर के भजन के समान अन्य कुछ भी नहीं है। वो शीघ्र ही धर्मात्मा हो जाता है और सदा रहने वाली परम शांति को प्राप्त होता है। हे अर्जुन, तू निश्चय पूर्वक सत्य ज्ञान की मेरा भक्त नष्ट नहीं होता है। हे अर्जुन, स्त्री वैश्य शूद्र तथा पाप योनि चंडाल आदि जो कुछ कोई भी हो, वे भी मेरे शरण होकर परम गति को ही प्राप्त होते हैं। फिर इसमें कहना ही क्या है, जो पुण्यशील ब्राह्मण तथा राजर्षि भक्तजन मेरी शरण होकर परम गति को प्राप्त होते हैं। इसलिए तू सुख रहित और क्षणभंगुर इस मनुष्य शरीर का प्राप्त होकर निरंतर मेरा ही भजन कर। मुझको मन भजने वाला मुझ में मन वाला हो, मेरा भक्त बन मेरा पूजन करने वाला हो, मुझको प्रणाम कर, इस प्रकार आत्मा को मुझ में नियुक्त करके मेरे प्रयाण होकर तू मुझको ही प्राप्त होगा। तत्सदित श्री भगवत ता सुखनिवस्त ब्रह्म विद्यायं योग शास्त्रे श्री कृष्णावाद संवादे राज विद्याशनु हा योगो नवम अध्याय समाप्तम। नवा अध्याय समाप्त हो गया। अब इसको हम समझने के लिए साधारण भाषा में
बोलेंगे अपनी अपनी दिनचर्या में कि इसको हम और कैसे समझ सकते हैं। इसमें भगवान ने स्पष्ट कहा है कि भगवत स्वरूप की प्रतीक का नाम योग है और भगवत प्राप्ति के निर्मित किए हुए साधन की रक्षा का नाम क्षेम है। भगवत की प्राप्ति का नाम योग और भगवत प्राप्ति के निमित्त किए हुए साधन की रक्षा का नाम क्षेम है, भगवान ने बोला है। और कहा है जैसे सूक्ष्म रूप से सब जगह व्यापक हुआ है, अग्नि साधनों द्वारा प्रकट करने से ही प्रत्यक्ष होता है, वैसे ही सब जगह स्थित हुआ भी परमेश्वर भक्त से भजने वाले के ही अंतकरण में प्रत्यक्ष रूप से प्रकट होता हूँ। इसको हम थोड़ा और पीछे से लेते हैं। भगवान कहते हैं कि जैसे जीवन भर रिश्ते बनाते हैं, मित्र को साथ जीने मरने की कसम खाते हैं, आज पता नहीं वो कहाँ चले गए, संसार परिवर्तनशील है, सब लोग यहाँ बदल जाते हैं, हर रिश्ता बदल जाता है और ये संसार परिवर्तनशील है, बदलता रहता है, जैसे बचपन से जवानी, जवानी से बुढ़ापा, और एक दिन ये शरीर हमारा साथ छोड़ देता है तो किसके लिए रोना और किसकी चिंता करना। हम सारी जिंदगी चीज़ों को, रिश्तों को, जिंदगी को बनाने में, सजाने संवारने में लगे रहते हैं, लेकिन एक दिन सब कुछ बिखर जाता है। सारी जिंदगी जिस संपत्ति, जिस रिश्तों के लिए हम लड़ते रहे, एक दिन सब छोड़कर हमें इस दुनिया से जाना पड़ता है। श्री कृष्ण भगवान कहते हैं कि मनुष्य कर्ता नहीं है, मनुष्य माध्यम भर है। जिस व्यक्ति का कार्य समाप्त हो चुका होता है उसे जाना ही पड़ता है। मोह की वशीभूत ही नियति का विरोध करना अधर्म है। जब हमारा समय हो गया है तो हमें उसी में खुश रहना चाहिए कि अब हमें जाने की तैयारी, उसमें खुश रहने की हाय और जी लें और जी लें, ये व्यर्थ है। भगवान कहते हैं जिसका समय माध्यम करता है, माध्यम भर है, कोई किसी को न चलाता है, न खिलाता है, न उगाता है, समय से सब प्रकृति जैसे करती है, भगवान चाहते वैसा होता है। कुरुक्षेत्र में ऐसे कुरुक्षेत्र में अपने समक्ष पितामह भीष्म, गुरु द्रोण, कृप और दुर्योधन आदि समस्त बंधुओं को देखकर मोहग्रस्त हुए अर्जुन के साथ हाथ में गांडीव छोड़ दिया और कहा हे कृष्ण, मैं इन लोगों से कैसे युद्ध कर सकता हूँ। शास्त्र कहते हैं कि जो व्यक्ति अपने कुल धर्म का विनाश करता है वो सदैव नरक में वास करता है। कुल का नाश होने पर सनातन कुल परंपरा नष्ट हो जाती है और इस तरह शेष कुल भी अधर्म है, प्रवृत्त हो जाता है। माना कि ये लोग के वश में आकर हमारा अधिकार छीन रहे, पर हम तो लोभी नहीं हैं, हम इसका वध कैसे कर सकते हैं। मैं ये युद्ध नहीं कर सकता माधो, मैं पितामह भीष्म गुरु द्रोणा जिससे पूज्य व्यक्तियों पर बाण कैसे चलाऊंगा। अर्जुन बोले भले दुर्योधन आदि मुझ निहत्थे को मार दे पर मैं युद्ध नहीं करूंगा, मैं युद्ध नहीं करूंगा। कृष्ण भगवान मुस्कराए, वे अर्जुन के मुंह को समझ रहे थे क्योंकि ये मुंह केवल अर्जुन के हृदय में नहीं उपजा था बल्कि ये मुंह समस्त मानव जगत के हृदय में बसता है। कृष्ण ने कहा हे अर्जुन, व्यक्ति को अपना कर्तव्य वर्तमान परिस्थितियों के आधार पर तय करना चाहिए। ये युद्ध भूमि के बाहर तुम पांडव पुत्र अर्जुन हो, पर युद्ध भूमि में तुम केवल और केवल एक सैनिक मात्र हो। यहाँ तुम्हारा एक कर्तव्य है, तुम युद्ध करो। तुम्हारा युद्ध छोड़ना अपने कर्तव्य की अवहेलना है, जिससे बड़ा अधर्म संसार में कोई नहीं है। महत्वपूर्ण ये नहीं कि सामने कौन खड़ा है, महत्वपूर्ण बस ये है कि तुम योद्धा हो और तुम्हें अपना धर्म निभाना है। युद्ध क्षेत्र में खड़ा व्यक्ति यदि सहिष्णु हो जाए तो वो अपने राष्ट्र, धर्म और संस्कृति तीनों के लिए घातक होता है। अर्जुन ने कहा हे केशव, ये कार्य मैं ही क्यों करूँ, मेरा कर्तव्य इतना कठोर क्यों है,
कि वो मुझसे मेरे परिजनों का वध कराना चाहता है। श्री कृष्ण बोले, हे अर्जुन, तुम इन्हें नहीं मारोगे तो क्या ये नहीं मरेंगे? पार्थ, मृत जीवन का सबसे बड़ा सत्य है, जिस व्यक्ति का कार्य समाप्त हो चुका है उसे जाना ही पड़ता है, यही नियति है। और मोह के वशीभूत हो नियति का विरोध करना अधर्म है। मनुष्य करता नहीं है, माध्यम भर होता है। जिस तरह तुम्हारी उंगलियों का आदेश पाकर तुम्हारे बाण कार्य करते हैं, उसी तरह परमात्मा का आदेश पाकर तुम कार्य करते रहो। इसलिए अपना धर्म निभाओ, पार्थ निभाओ। तो श्री कृष्ण भगवान ने क्या कहा कि मनुष्य एक केवल माध्यम है, वो करता नहीं है, जो करते हैं वो भगवान करते हैं। जब हम क्षेत्र में खड़े हैं तो हमें उसमें रिश्ते नाते नहीं देखे जाते हैं। जब सैनिक लड़ाई पे जाते हैं तो उसमें जो गोलीबारी चलती है उसमें हो सकता कोई उनका रिश्तेदार हो, तो वो खोज खोज को तो नहीं करते। अगर खोज खोज करें तो राष्ट्र ही कैसे बचेगा। इसलिए कहते हैं उसमें कृष्ण ने कहा कि इसमें रिश्ते नाते नहीं, धर्म करना है तो जिसका समय आ गया वो जाना। क्या तुम नहीं मारोगे तो वो मरेंगे नहीं, समय तो नियति है, समय तो जिसका हो गया उसे जाना ही जाना है। तो तू युद्ध कर और तेरा कार्य है युद्ध करना, मोह के वशीभूत मत हो, अधर्म मत करो। कहाँ जा छुपे हो प्यारे कन्हैया, कहाँ जा छुपे हो प्यारे कन्हैया, यहाँ लाज मेरी लुटी जा रही है। कहाँ जा छुपे हो प्यारे कन्हैया, यहाँ लाज मेरी लुटी जा रही है। दुशासन के हाथों तुम्हारी बहन की सभा बीच साड़ी खींची जा रही है। दुशासन के हाथों तुम्हारी बहन की सभा बीच साड़ी खींची जा रही है। कहाँ जा छुपे हो प्यारे कन्हैया, यहाँ लाज मेरी लुटी जा रही है। जिन्होंने कभी मेरी सूरत न देखी, जिन्होंने कभी मेरी सूरत न देखी, वो देखेंगे आज बदन ये हमारा, वो देखेंगे आज बदन ये हमारा। जल्दी बचा लो आके मेरे मुरारी, जल्दी बचा लो आके मेरे मुरारी, ये महलों की रानी लुटी जा रही है। ये महलों की रानी लुटी जा रही है। कहाँ जा छुपे हो प्यारे कन्हैया, कहाँ जा छुपे हो तुम प्यारे कन्हैया, यहाँ लाज मेरी लुटी जा रही है। यहाँ लाज मेरी लुटी जा रही है। खींच ना सका चीर दुशासन हारा, खींच ना सका चीर दुशासन बियारा, मैं समझी मोहन इशारा। खींच ना सका तीर दुशासन बियारा, मैं समझी भी मोहन इशारा तुम्हारा। साड़ी के हर तार में तुम हो छुपे, साड़ी के हर तार में तुम तो छुपे हो, इसीलिए साड़ी बढ़ी जा रही है, इसीलिए साड़ी बढ़ी जा रही है। कहाँ जा छुपे हो प्यारे कन्हैया, यहाँ लाज मेरी लुटी जा रही है। यहाँ लाज मेरी लुटी जा रही है। शरण में तेरी जो एक बार आता, शरण में तुम्हारी जो
एक बार आता जहाँ कोई मन ना उसको सताता, जहाँ कोई गम ना है उसको सताता। शरण में है तेरी जो एक बार आता, जहाँ कोई गम ना है उसको सताता। दासी के सिर पर प्रभु हाथ रख दो, हमारे सिर पर प्रभु हाथ रख दो, ये मझधार नैया मेरी जा रही है, ये मझधार में नैया मेरी जा रही है। कहाँ जा छुपे हो मेरे कन्हैया, जहाँ लाज मेरी लूटी जा रही है। दुशासन के हाथों तुम्हारी बहन की सभा बीच साड़ी खींची जा रही है। दुशासन के हाथों तुम्हारी बहन की सभा बीच साड़ी खींची जा रही है। कहाँ जा छुपे हो प्यारे कन्हैया। बोलो गीता भगवान की जय।